नाजरीन, दोदेल जानवर हमारे लिए बहुत अहम हैं। ये ना सिर्फ हमें इंसानी खुराक के लिए दूध और गोश्त मुहैया करते हैं, बल्कि इनसे हल चलाने और बारबर्दारी का काम भी लिया जाता है। ये ज़मीन की जरखेज़ी के लिए खाद मुहैया करते हैं। इनकी खालों से बहुत सी मसनूआत बनाई जाती हैं, जिनको बरामद करके हम बहुत सा ज़र मुबादला कमाते हैं। जानवरों से दूध और गोश्त की अच्छी पैदावार लेने के लिए इन बातों का ख्याल रखना होगा: बीमारियों से हिफाजत और मुतवाजन खुराक। अच्छी मौरूसी सलाहियत और बेहतर खुराक के बावजूद जानवर पूरी पैदावार सिर्फ उसी सूरत में देगा जब वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो। मौरूसी बीमारियों और सरतान के अलावा तकरीबन सभी बीमारियां खुराक में किसी जुज़ की कमी, जरासीम या कीड़ों की वजह से पैदा होती हैं। इंसानों की तरह मवेशियों की खुराक में भी मुनासिब मकदार में लहमियात, हयातीन और नमकियात की ज़रूरत होती है। इन अज्ज़ा की कमी की वजह से जानवर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इस किस्म की बीमारियों में से अहम सूतक और रत मूत्र हैं। इसके अलावा खुराक में इन अज्ज़ा की कमी की वजह से जानवरों में कुव्वत मुदाफियत कम हो जाती है। जरासीम और कीड़े आसानी से बीमार कर देते हैं। गंदे पानी, गंदी खुराक और गंदे माहौल में बहुत से जरासीम पाए जाते हैं। इनसे पैदा होने वाली बीमारियां अक्सर बीमार जानवरों से तंदुरुस्त जानवरों में मुंतकिल हो जाती हैं। इन बीमारियों में गलघोटू, मुखुर, चूड़ेमार और हैवाने की सोजिश वगैरह शामिल हैं। बाज़ बीमारियां कीड़ों से पैदा होती हैं। कीड़े दो किस्म के होते हैं, अंदरूनी किर्म और बैरूनी किर्म। अंदरूनी किर्म जानवरों के मेदे, अंतड़ियों और जिगर में पाए जाते हैं, जबकि बैरूनी किर्म जिल्द पर देखे जा सकते हैं। बैरूनी किर्म न सिर्फ जानवरों को खुद नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि अक्सर औकात ये खून को चूसते वक्त बीमार जानवरों के जरासीम तंदुरुस्त जानवरों में मुंतकिल कर देते हैं। नाज़रीन, हम देखते हैं कि जानवर हर वक्त बीमार नहीं होते। कुदरत ने जानवरों के जिस्म में ऐसे इंतजामात कर रखे हैं कि माहौल में जरासीम की मौजूदगी के बावजूद ये जिस्म में दाखिल नहीं होने पाते। मवेशी की जिल्द जरासीम को जिस्म के अंदर जाने से रोकने का सबसे बड़ा जरिया है। जिल्द में मौजूद हुदूद कुछ ऐसे अज्ज़ा भी बनाते हैं जो जरासीम कुश होते हैं। इसी तरह आंसू और थूक भी जरासीम को पनपने का मौका नहीं देते। नाक में मौजूद बाल और रुतूबत भी जरासीम को अंदर जाने से रोकते हैं। खुराक और पानी के साथ अंदर जाने वाले जरासीम के खिलाफ कई अवामिल कारगर होते हैं। थूक यानी लुआब मुंह को साफ रखता है, वहां जरासीम नशोनुमा नहीं पा सकते। इसके अलावा थूक में जरासीम कुछ अज्जा भी होते हैं। मेदे की तेजाबियत भी जरासीम को हलाक करने का एक अहम जरिया है। इसी तरह आंतों में पहले से मौजूद जरासीम नए आने वाले जरासीम को हलाक कर देते हैं। लेकिन कुछ जरासीम इतने ताकतवर होते हैं कि वो इस दिफाई निज़ाम को तोड़कर मवेशियों को बीमार कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मखसूस बीमारियों के हिफाजती टीके जानवरों को लगवाने चाहिए। नाज़रीन, अब हम बीमारियों के बारे में बात करेंगे। गलघोटू यानी हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। मवेशियों का ये मुतादी मर्ज है जो एक चरसूमे से फैलता है। जी, ये गलघोटू या हेमरेजिक सेप्टिसीमिया गाय और भैंस की पाकिस्तान में इंतहाई अहम और ख़तरनाक बीमारी है, और चंद उन बीमारियों में से है जिनमें के जानवरों की शरह अमवात बहुत ज़्यादा होती है। इस बीमारी में मुब्तला जानवर वैसे तो आपको सारा साल इक्का दुक्का जानवर नज़र आते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में, यानी बरसात के मौसम से मेरी ये मुराद है कि जुलाई अगस्त और जनवरी फरवरी के महीनों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने में आती है और हमारे मवेशी पालने वाले हजरात के लिए परेशानी का सबब बनती है। ये बीमारी एक ख़ास जरसूमे की वजह से होती है,
जिसका नाम पास्टरेला मल्टोसिडा है, और ये जरासीम चंद सेहतमंद जानवरों के गले में हर वक्त मौजूद रहता है, गले के गुदूद में हर वक्त मौजूद रहता है। और जब ये हमारे सेहतमंद जानवर जो हैं किसी वजह से उनमें कुव्वत मुदाफ़त की कमी आ जाती है, यानी मौसमी हालात अच्छे नहीं हैं या उनको प्रॉपर खुराक नहीं दी गई या कोई और रीज़न है, तो ये जानवर ये जरसूमा गले के पिछले गुदूद से निकल के नाक के पिछले हिस्से और गले के हिस्से में अपनी नशोनुमा शुरू कर देता है और दीगर जानवरों के लिए बीमारी का सबब बनता है। और एक बीमार जानवर से दूसरे बीमार जानवर तक ये बीमारी खुराक, पानी या दीगर करीबी ताल्लुक की बिना पे मुंतकिल होती है। जी, इस बीमारी की अलामत में सबसे पहले जो अलामत देखने में आती हैं वो जानवरों का दर्जा हरारत बुलंद हो जाना या ज़्यादा हो जाना है। अक्सर जानवर में आप 105 से 106 डिग्री तक फारेनहाइट तक दर्जा हरारत जानवर का हो जाता है। और उसके दूसरी अलामत ये कि उसके गले के इर्द गिर्द स्वेलिंग आपको नज़र आना शुरू हो जाती है, सोजश। फिर ये कि जानवर सांस लेने में दिक्कत महसूस करता है, और बाज़ुकात ये होता है कि सांस लेने की आवाज़ दूर तक सुनी जा सकती है, इतनी उसको दिक्कत महसूस होती है सांस लेने में। इसके अलावा मुंह से रालें टपकना शुरू हो जाती हैं, झाग भी बाज़ सूरतों में बहना शुरू हो जाती है। और जिन जानवरों में इस बीमारी का हमला शदीद होता है वो चंद घंटे के अंदर मर जाते हैं इस बीमारी से, वरना ये कि 12 से 36 घंटे तक जानवर जो है वो इस बीमारी से मर जा। आप हमारे मवेशी पालने वाले हजरात को थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो जाए कि उनके जानवर इस बीमारी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर तो उन्हें करीबी डॉक्टर से रजू करना चाहिए और जो वो आपको इलाज या तदाबीर बताता है उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन बेहतरीन तरीका इस बीमारी से बचाव का ये है कि आप इस बीमारी के खिलाफ हिफाजती टीके लगवाएं अपने जानवरों को, और वो हिफाजती टीके बाज़ार में दस्तयाब हैं। वो हिफाजती टीके हम अक्सर जून के महीने और दिसंबर के महीने में रेकमेंड करते हैं कि फार्मर हजरात अपने जानवरों को लगवाएं। और ये होता है कि बरसात शुरू होने से 15 दिन पहले आप अपने जानवरों को ज़रूर ये हिफाजती टीके लगवा दें। ये हिफाजती टीके आमतौर पर साल में 2 दफ़ा लगाए जाते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, जून और दिसंबर ना। लेकिन ऐसे इलाकों में जहाँ पे कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा आती है, वहाँ पे जानवरों को ये हिफाजती टीके 3 मरतबा साल में लगवाने चाहिए, ताकि आपके जानवर ज़्यादा मुकम्मल तौर पर इस बीमारी से महफूज रहें। और उन जानवरों में जो कि जिनको कि आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये टीका लगवा रहे हैं, यानी अक्सर ये होता है कि 4 महीने से ऊपर वाले जानवर को ये टीका लगाना शुरू करना चाहिए, 4 महीने से नीचे वाले जानवरों को ये टीका नहीं लगाना चाहिए। तो उन जानवरों को जिनको आप पहली दफ़ा ये टीका लगवा रहे हैं, उनको महीने बाद इस टीके की दूसरी खुराक भी ज़रूर लगवानी चाहिए। मुखुर यानी फुट एंड माउथ डिजीज़, ये मुतादी बीमारी है। इसमें जानवर का मुँह और खुर मुतासिर होते हैं। गाय भैंसों की ये बीमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान में, और ये भी एक वायरस से फैलती है। इस बीमारी की खसूसियत ये है कि दूसरी बीमारियों के बरक्स पानी और चारे के अलावा ये हवा से भी एक जगह से इसका जरासीम दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। इसलिए जहाँ ये बीमारी फैलती है वहाँ के जानवरों को अगर हिफाजती टीका नहीं लगाया गया तो ये मर्ज उस इलाके में सारे जानवरों में बीमारी का बायस बनता है। ये बीमारी मुकामी गाय और भैंसों में इतनी शिद्दत से नहीं आती, जबकि इसमें अगर ये मर्ज या वायरस गैर मुल्की गाय या दोगली नस्ल की गायों में फैल जाए तो इसमें शरह अमवात बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें इस वायरस की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा होती है। बीमारी के शुरू में जानवर को बुखार होता है, खाना पीना छोड़ देता है, और कभी कभार जानवर का जिस्म भी कांपता हुआ दिखाई देता है। मुंह से झाग और नाक से पानी बहना शुरू हो जाता है। खुरों का दरमियानी हिस्सा सुरख नज़र आता है और दबाने से जानवर दर्द महसूस करता है। इस दर्द की वजह से जानवर लंगड़ाकर चलता है। जानवर के मुंह में, पाँव में छाले बन जाते हैं। वक़्त गुजरने के साथ साथ नाक, हिवाने और थनों पर भी छाले देखने में आते हैं। छाले फटने से वहाँ ज़ख्म बन जाते हैं। ये ज़ख्म तेज़ी से मुंतमिल हो जाते हैं। इस मर्ज में शरह अमवात बहुत कम होती है और आम तौर पर छोटे बछड़े मौत का शिकार हो जाते हैं। अगरचे इस बीमारी में ज़्यादा अमवात नहीं होती, लेकिन माली लिहाज से ये मवेशी पाल किसानों का बहुत नुकसान करती है। बीमारी से पैदा होने वाली कमज़ोरी की वजह से दूध और गोश्त में बहुत कमी वाक़ होती है। अगर मुँह में छाले ज़्यादा हों तो जानवर काफ़ी अरसे तक खाना पीना शुरू नहीं करता।
माहौल में दूसरे जरासीमों की मौजूदगी की वजह से पाँव के ज़ख्म ख़राब हो जाते हैं और हवाने और थनों पर ज़ख्मों की वजह से अक्सर हवाने की सोजिश का मर्ज़ लाहक हो जाता है, जिसकी वजह से दूध की पैदावार बहुत कम हो जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए चंद नहायत ही मुफीद एहतियाती तदाबीर हैं जिसे किसान भाइयों को जहन में रखना चाहिए ताकि जो ही बीमारी उस इलाके में फैले वो इस पर अमल करें और बीमारी को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। बीमार जानवर तंदरुस्त जानवर से दूर बांधें ताकि वायरस जो है वो बीमार जानवर से तंदरुस्त जानवर में मुंतकिल ना हो जाए। इसी तरह जो आदमी बीमार जानवरों की देखभाल कर रहा है वो तंदरुस्त जानवरों की तरफ ना आए ताकि वायरस जो है वो बीमार जानवर से तंदरुस्त जानवरों की तरफ ना फैले। इसी तरह बीमार जानवर को सब्ज चारा दें, टूड़ी मत दें, क्योंकि बीमार जानवर के मुंह में जो छाले होते हैं या ज़ख्म होते हैं उनकी वजह से जानवर टूड़ी नहीं खा सकता। इस मर्ज़ के बचाव के लिए एक नहायत मुफीद हफाजती टीका दस्तयाब है और किसान भाइयों को चाहिए कि हर 3 से 4 माह तक इस हफाजती टीके को इस्तेमाल करके जानवर को इस मर्ज़ से महफूज करें। यह हफाजती टीका 3 से 4 माह तक उस जानवर में कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है तक और इस दौरान में अगर बीमारी आती है तो वो कुव्वत मुदाफ़त इस जानवर को मुँह खुर के मर्ज़ से महफूज रखेगी। माता यानी रेंडर पेस्ट, ये छूत वाली बीमारी है जो कि एक वायरस से फैलती है। गाय और भैंसों के एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ रेंडर पेस्ट के मतलब बताना चाहूँगा, जिसे मकामी ज़बान में माता या वाह के नाम से पहचाना जाता है। ये गाय और भैंसों की बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है जो एक वायरस की वजह से फैलती है, जिसमें शरह अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं। ये मर्ज़ भेड़ और बकरियों में भी पाया जाता है लेकिन इसकी शिद्दत बहुत कम होती है। दुनिया के इस खत्ते में ये मर्ज़ बहुत पहले से मौजूद था और क्याम पाकिस्तान से लेकर अब तक ये मर्ज़ हज़ारों लाखों जानवरों की हलाकत का बायस बन चुका है। इस वक्त भी मुल्क के शुमाली इलाका जात पंजाब के कुछ हिस्से और कराची में ये मर्ज़ मौजूद है और मुल्क के बाकी हिस्सों में इस मर्ज़ की अलामत की मौजूदगी के शहाद मिलते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ तशखीस के मुनासिब सहूलियात नहीं हैं इसलिए उनसे बचाव के मुनासिब तरीके इख्तियार वहाँ पे इख्तियार नहीं किए जा रहे और इस वजह से ये मर्ज़ जो है, जो वायरस है इस मर्ज़ का, वो बीमार जानवर से तंदरुस्त जानवर में मुंतकिल होकर इस बीमारी के फैलाव का सबब बन रहा है। इस बीमारी की तशखीस के लिए इसकी ज़ाहरी अलामत काफ़ी हैं, अगर इसको बेहतर तरीके से समझ लिया जाए तो इसकी शुरू में इस मर्ज़ की तशखीस हो सकती है। इस मर्ज़ की तशखीस के लिए इनकी ज़ाहरी अलामत को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। बीमारी के शुरू में जानवर को तेज़ बुखार होता है, बेचैनी महसूस करता है और नाक और आँख से पानी बहना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही जानवर खाना पीना कम या छोड़ देते हैं। वायरस के फैलाव की वजह से जानवर बीमारी के दूसरे हिस्से में दाखिल हो जाता है और इसके मुंह में छोटे छोटे ज़ख्म नमूदार हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस बदबूदार हो जाती है और जानवर को खाने पीने में दुश्वारी पेश आती है। इस फेज़ के दूसरे ख़ास अलामत यह है कि जानवर को पेचिश भी शुरू हो जाती है। बीमारी के आखिरी हिस्से में जानवर को खूनी पेचिश एक वाज़ह अलामत है। पानी के ज़्यादा खराज की वजह से जानवर का जिस्म लागत दिखाई देता है और बीमारी शुरू होने के 6 से 9 दिन के अंदर अंदर जानवर मर जाता है। रिंडरपेस्ट या माता का मर्ज़ बीमार जानवर से तंदरुस्त जानवर मुंतकिल होता है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि बीमार जानवर को फौरन दूसरे जानवरों से अलग कर दें ताकि वायरस जो है वो बीमार जानवरों से तंदरुस्त जानवरों में मुंतकिल होकर बीमारी के फैलाव का सबब ना बने। वो आदमी जो बीमार जानवर की देखभाल कर रहा है वो तंदरुस्त जानवर के पास ना जाए। इसी तरह बीमार जानवर का पानी और इस्तेमाल शुदा खुराक तंदरुस्त जानवर को ना दिए जाएं, क्योंकि इससे भी वायरस के फैलाव का ख़तरा मौजूद होता है। खुशकिस्मती से इस मोहलक बीमारी के ख़िलाफ़ एक नहायत मौसर हफाजती टीका दस्तयाब है जो जानवर को बकिया ज़िंदगी के लिए कुव्वत मुदाफ़त फराहम करता है। इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके 6 माह से ज़ायद उम्र के जानवर को यह टीका लगवा देना चाहिए। दुनिया के बहुत से ममालिक
मसलन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप वगैरह से इस मर्ज़ को ख़त्म किया जा चुका है और बैनुल अक्वामी इदारे इस कोशिश में हैं कि दूसरे ममालिक मसलन पाकिस्तान, भारत, इराक, तुर्की वगैरह में जहाँ ये मर्ज़ अभी भी पाया जाता है उसको ख़त्म करने के लिए कोशिशें की जाएँ। अगर ये बीमारी कुरा से ख़त्म हो जाती है तो चेचक के बाद ये दूसरी बीमारी होगी जिसको ख़त्म करने में इंसान कामयाब होता है। ब्लैक क्वार्टर, ये मुतादी बीमारी है, आम तौर पर 6 माह से 3 साल की उम्र के जानवरों में पाई जाती है। ब्लैक क्वार्टर या चौड़े मार मवेशियों की एक ख़तरनाक बीमारी है। ये बीमारी एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम शोवियाई की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया मट्टी में बकसरत पाए जाते हैं और जानवर के जिस्म में बजरिया खुराक या पानी दाखिल होते हैं। अक्सर औकात ये जरासीम या बैक्टीरिया ज़ख़म के ज़रिए जानवर के जिस्म पे ज़ख़म आ जाए तो उसके ज़रिए भी जानवर में दाखिल होते हैं। ये बीमारी भैंसों के नस्बत गायों में ज़्यादा देखी गई है और अमूमन 6 माह से 2 साल तक के जानवरों में इस बीमारी की शरह बहुत ज़्यादा है। ये बीमारी तंदुरुस्त और फरबा जानवर को ज़्यादा शिकार करती है और वैसे तो ये बीमारी सारा साल देखी जा सकती है, लेकिन बहार में जब जानवर चरागाहों में जाते हैं और बरसात के दिनों में ख़ास तौर पर सैलाबज़दा इलाकों में इस बीमारी की शरह बहुत ज़्यादा होती है। पहाड़ी और नीम पहाड़ी इलाकों में भी इस बीमारी की शरह बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक क्वार्टर या चौड़े मार की जानवरों में अलामात कुछ इस तरह से हैं कि जानवर को बहुत तेज़ बुखार होता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, उसके शाने या रान का गोश्त मुतासर होता है, मुतासरा जगह का रंग गहरा सुर्खी माइल भूरा या काला होता है, गोश्त गल सड़ जाता है, उसमें से बदबू आती है और उस पर हाथ फेरा जाए तो उसमें से चढ़ चढ़ की आवाज़ें आती हैं और जानवर दर्द महसूस करता है, मुतासरा जगह सूज जाती है और मुतासरा जगह की स्किन या जिल्द में खिंचाव होता है, जानवर निढाल और सुस्त होता है, वो चलने लंगड़ा कर चलता है और रेवड़ में बाकी जानवरों से अलहदा नज़र आता है। अगर जानवर का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो वो पहली अलामत के नज़र आने के 24 से 36 घंटे बाद उसकी मौत वाक़ हो सकती है। बाज़ दफ़ा जानवर कोई अलामत दिखाए बगैर मर जाता है। हिफाजती तदाबीर में जैसे ही बीमारी की अलामत नज़र आएँ तो आप फौरन किसी वेटनरी डॉक्टर से रबता करें और उसका इलाज मालजा शुरू करा दिया जाए तो बेहतर है। अगर बरवक्त इलाज किया कर दिया जाए तो जानवर की जान बच भी सकती है। फिर यह है कि ज़ख़म अगर जानवर के जिस्म पर कोई आ जाए तो उसकी मुनासब मरहम पट्टी की जाए ता वक्ते के वो ठीक ना हो जाए। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। इस बीमारी के ख़िलाफ़ एक हिफाजती टीका भी मौजूद है जो कि बहुत मौसर है। इसको हर साल अप्रैल में लगाने से जानवर पूरे साल के लिए बीमारी से बच सकता है। हमारे नवासीदा मवेशी हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं क्योंकि इन्होंने ही बड़े होके हमारे आइंदा जो दूध देने वाले जानवर उनकी जगह लेनी होती है। इनके हमें ख़ास तौर पे हिफाजती तदाबीर जो इख्तियार करनी चाहिए ताकि इनमें अमवात ना हो। इनमें तकरीबन 30 से 40% तक अमवात जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं, तो इनको कम करने के लिए हमें इनके पे ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। इनकी पैदाइश के फ़ौरन बाद जो है इन्हें हमें बॉली ज़रूर पिलानी चाहिए क्योंकि इनमें अभी कुव्वत मुदाफ़त का जो निज़ाम है वो अच्छी तरह से नहीं डेवलप हुआ होता। इस वजह से ये बड़ी जल्दी जो है बीमारियों से जो है वो हमलावर हो सकती हैं इन पर। अगर हम इसे माँ का दूध पिलाएँ यानी बॉली जो है वो पिलाएँ तो उसके ज़रिए इसके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त जो है माँ से शिफ्ट हो जाती है। जानवरों में कुव्वत मुदाफ़त सिर्फ बॉली से ही शिफ्ट होती है और बॉली जो है वो जल्द अज जल्द पिलानी चाहिए। इसके पिलाने के लिए हमें जेर गिरने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इसके अंदर बॉली के अंदर एक हमारे एंटीबॉडीज़ जिन्हें हमें मुदाफ़ती सिस्टम का हिस्सा है वो पाई जाती हैं, वो इनकी आंतों के ज़रिए इनके खून में जज़ब हो जाती हैं जिसकी वजह से ये जो शुरू में जो बीमारियाँ इन पर हमलावर होती हैं उनके खिलाफ ये मुदाफ़त पैदा हो जाती है। हमारे किसान भाई बाज़ दफ़ा इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि जेर गिरे और फिर बॉली पिलाई जाए। जितनी देर की जाए उतनी ज़्यादा इनकी आंतों में से उसके कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम के जज़ब होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं।
इसलिए हमें इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इनके जो नाड़ू होता है वो अगर खुश्क हो जाए तो वो और वो गिर जाए तो उसके बाद हम उसे टिंक्चर आयोडीन वगैरह लगा के उसकी मुकम्मल सफाई करते रहें। दो दिन में 2-3 दफ़ा टिंक्चर आयोडीन लगानी चाहिए ताकि वहाँ से भी इनके अंदर जरासीम जो हैं वो ना जा सकें। ये जो नवाजीदा मवेशी हैं उनके ऊपर ना सिर्फ हमें कि उनके जो मेल मवेशी जो हैं यानी कि कट्टे या बछड़े हैं उनकी भी हिफाजत करनी चाहिए, उनकी भी हमें ज़रूरत है क्योंकि उन्हें वही नस्ल कशी के बाद में काम आएंगे। अगर वो अच्छे मवेशी हम सारे कट्टे बछड़े जो हैं उनको अगर अच्छी तरह हम ना देखभाल करें और उनको जैसे कि बाज़ किसान भाई समझते हैं कि ये हमारी मईशत पर बोझ हैं और वो उन्हें जल्दी बेच देते हैं या कुछ और करते हैं तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर वो अच्छी नस्ल के कट्टे या बछड़े हैं तो उनसे नस्ल कशी में बाद में मदद मिलेगी। और पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि इनकी तादाद भी खासी कम हो रही है, इसलिए इन पे भी इन्हें भी पूरा पूरा दूध पिलाना चाहिए। जानवरों को दूध तकरीबन इनके जिस्म का 1/10 हिस्सा जो वज़न है उसके मुताबिक देना चाहिए। इसमें आप कह सकते हैं कि भैंसों के जो कट्टे हैं उन्हें तकरीबन 2 लीटर दूध सुबह और 2 लीटर दूध शाम को ज़रूरत होगी, और जो गायों के बछड़ियाँ या बछड़े हैं उन्हें 1.5 लीटर के करीब दूध पिलाना चाहिए। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाए इनकी दूध पिलाने की मकदार भी बढ़ानी चाहिए। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए जब ये 3रे हफ़्ते में हो जाएं और 3रे हफ़्ते से बड़े होने शुरू हों तो इनमें वंडा वगैरह और दूसरा सब्ज़ चारे का इस्तेमाल करवाना चाहिए ताकि जो दूध हमें बहुत महंगा पड़ता है उसकी लागत कम हो जाए और इनकी नशोनुमा भी सही होती रहे। 3रे हफ़्ते से हम इन्हें कोई वंडा और सब्ज़ चारा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर सकते हैं। उसके बाद इनकी बेहतर नशोनुमा जो है उन्हें पूरी खुराक जो है वो मिलती रहेगी, कुछ दूध से और कुछ चारे से। इसके अलावा एक और जो चीज़ है इनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हमलावर होती हैं उनमें से आप कह सकते हैं कि पेट में कीड़े जो होते हैं वो आम जबान में जिन्हें कहा जाता है कि मतलब पड़ गए हैं वो खासी मकदार में इनकी न्यूट्रिशन जो है इनकी खुराक जो है उसका वो ज़ाया कर देते हैं। तो 3रे-4थे हफ़्ते के बाद हमें इन्हें जो है एक पहली खुराक जो है वो हफाजती तदाबीर के तौर पे कीड़े मार दवाइयों की भी देनी चाहिए ताकि इनके पेट से आंतों के जो कीड़े हैं जो किरम है वो ख़त्म हो जाए। सर्दियों में सांस की बीमारियां और दूसरे यानी निमोनिया वगैरह के हमला हो सकता है तो इन्हें सर्दी से बचाना चाहिए हमें उसके लिए। इसके अलावा इनके जो पेन है जो या जो हम इन्हें रखते हैं पिंजरे वगैरह वो अगर हो सके तो थोड़ी सी ऊँची जगह पर और उन्हें जितना भी मुमकिन हो खुश रखा जाए ताकि इन पर बीमारियों के जरासीम कम से कम हमलावर हों। आज के प्रोग्राम के अहम नुकात ये हैं, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल करें, जानवरों के बच्चों को पैदाइश के फौरन बाद मुनासिब मकदार में बोली पिलाएं, ज़ख़म के ठीक होने तक नाफ पर दिन में 2 या 3 मरतबा टिंचर लगाएं, मवेशियों के बच्चों को मुनासिब मकदार में दूध और चारा दें, बैरूनी किरमों की मौजूदगी में फौरन अदवियात लगाएं, जानवरों को मुतनासिब खुराक मुहैया करें, मुतादी बीमारियों के खिलाफ बरवक्त हिफाजती टीके लगवाएं, बीमारी की सूरत में फौरन किसी मुस्तनद वेटरनरी डॉक्टर से रुजू करें।